अगर आपके पास कोको कोला की ऐसी खाली बोतल है तो उसे गलती से भी मत फेंकना, क्योंकि ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। पर वो कैसे? और एक ऐसे आइस क्यूब्स हैं जिन्हें बस आप खरीद लोगे तो जिंदगी में आपको कोई भी चीज को ठंडा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई वीडियो को एंड तक देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। नंबर 14, वाटर बॉटल। ज्यादातर वाटर बॉटल 70 से 80 रुपए में मिल जाते हैं, उससे महंगे 150 to 200 के। लेकिन अगर आप इस बॉटल को खरीदने जाएंगे तो आपको एक ब्रांड न्यू BMW बेचनी पड़ेगी, क्योंकि इस बॉटल की कीमत है $60,000, यानी कि लगभग 50 लाख रुपए। आपको बता दें, ये बॉटल देखने में तो आपको बॉटल की तरह बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि इसे एक औरत के सर के शेप में बनाया गया है। इसके चारों ओर 24 कैरेट की गोल्ड कोटिंग लगी हुई है। बॉटल की सबसे स्पेशल बात यह है कि अब तक इस बॉटल का सिर्फ एक ही पीस बनाया गया है। और हाँ, इस बॉटल में पानी भी है, लेकिन वो कोई नॉर्मल पानी नहीं है, बल्कि फिजी, फ्रांस और के ग्लेशियर से निकाला हुआ पानी है। और इसमें भी 23 कैरेट गोल्ड फ्लेक्स मिले गए हैं। नंबर 13, पॉपकॉर्न। वैसे मूवी देखने जाते वक्त हमें हमेशा शिकायत रहती है कि पॉपकॉर्न बहुत कम आते हैं, लेकिन मैं जिस पॉपकॉर्न की बात करने जा रहा हूँ उसे खरीदने के लिए अगर आपके पास पैसे भी हैं तो आप खुद के लिए पूरा एक शो बुक कर सकते हैं। जी हाँ, बर्को द बिलियन डॉलर पॉपकॉर्न की बात की जाए तो इसे खरीदने से अच्छा आप उस दिन के पूरी शो की टिकट खरीद लें, क्योंकि इसकी कीमत करीब 21,000 रुपए है। इसमें मिलाए गए 23 कैरेट एडिबल गोल्ड फ्लेक्स इसे इतना महंगा बनाते हैं। ये पॉपकॉर्न दुनिया का सबसे महंगा पॉपकॉर्न है। नंबर 12, कैंडल। अगर आपको पैसे जलाने का शौक है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए है, जो मैलन लंडन नाम का इस ब्रांड का है। इन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने का सोचा जिससे हम अपना पैसा जला सकें और उसके बदले में हमें मिलेगा धुआं, जिसमें से लाइम, बेसली, मैंडरिन और पोमोग्रेनेट नोयर की खुशबू आएगी। जी हाँ, एक ऐसा कैंडल है जिसकी कीमत है 40,000 रुपए। अब आप सोचिए, अगर आप इस कैंडल को जलाकर इसकी खुशबू लेना चाहोगे या फिर अपने अगले महीने की कार EMI भरना चाहेंगे। खैर, आप अमीर हो तो कोई बात नहीं। वैसे इस कैंडल के साथ कॉम्प्लीमेंट्री माचिस भी मिलती है। नंबर 11, बिस्किट। अगर आप बाजार में बिस्किट खरीदने जाएं तो सिर्फ 5-10 रुपए में आपको एक बिस्किट पैकेट मिल जाएगा, जिसमें कम से कम 8 से 10 पीसेस बिस्किट होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया में एक ऐसा बिस्किट भी है जिसके सिर्फ एक पीस की कीमत में आप एक ब्रांड न्यू कार खरीद सकते हैं। हम बात कर रहे हैं 2015 में नीलाम हुए उस बिस्किट की, जिसकी कीमत है करीब 15 लाख रुपए। ये इतना महंगा इसलिए क्योंकि ये एक लौता ऐसा बिस्किट है जो टाइटैनिक जहाज में मिला है और अब तक सुरक्षित भी है। पिलर्स एंड बेकर्स का ये पायलट क्रैकर बिस्किट टाइटैनिक का एक सर्वाइवल किट से मिला था। इस बिस्किट को ग्रीस के एक कलेक्टर ने खरीदा था। हालांकि ये एक लौता ऐसा बिस्किट नहीं है जो टाइटैनिक शिप से मिला था। इससे पहले भी इसमें के कुछ बिस्किट बेचे गए थे, लेकिन इससे महंगा बिस्किट आज तक नहीं बिका। नंबर 10, आपने कोको कोला का कैन कितने में खरीदा? 60 रुपए, राइट? लेकिन ये कैन की कीमत 2 करोड़ रुपए है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कैन में कहीं ना कहीं सोना या फिर चांदी लगा होगा, लेकिन नहीं, ये कैन बाकी नॉर्मल कैन्स की तरह ही है। बस फर्क इतना है कि ये खाली है। जी हाँ, बिल्कुल खाली। दरअसल किसी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से कंपनी ने इस कैन में कोक भरा ही नहीं और ये कैन खाली रह गया। अब ये खाली कैन जब एक होशियार लड़के के हाथों लगा तो उसने इसे फेंकने के बजाय इसका ऑनलाइन ऑक्शन कर दिया, और आप अंदाजा नहीं लगा सकते उस ऑक्शन में इस खाली कैन की कीमत $2.5 लाख, यानी करीब 2 करोड़ 10 लाख रुपए लगाई गई। नंबर 9, नाइफ। नेस्मोक डायमंड स्टब नाइफ। ये है दुनिया की सबसे धारदार नाइफ और सबसे महंगी भी, क्योंकि इसकी कीमत 10 से 20 लाख रुपए नहीं बल्कि 35 लाख रुपए है। इस नाइफ में कार्बन स्टील के ब्लेड्स का इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं, इस नाइफ का हैंडल सिल्वर से बनाया गया है, जिसमें 8 डायमंड्स भी जुड़े हुए हैं। नंबर 8, टेनिस बॉल केन। हम सबको पता है लोग कंट्री क्लब में क्यों जाते हैं? बड़े लोग से पहचान बनाने के लिए। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस काम को आसान करने के लिए मेरे पास है टिफनी का एक प्रोडक्ट। इससे आपको टेनिस खेलना नहीं आएगा, बल्कि इससे क्लब में आप अपना रवाब बढ़ा सकते हैं। ये प्रोडक्ट और कुछ नहीं बल्कि एक टेनिस बॉल केन है, जिसमें आप हर तरह की बॉल्स रख सकते हो। इस केन की कीमत है $1,500, यानी करीब 1,26,000 रुपए। इतने महंगे होने का रीजन ये है कि ये केन्स पूरी तरह से सिल्वर के बने हुए हैं। नंबर 7, आइस क्यूब्स। हो सकता है आप महंगे महंगे ड्रिंक्स के शौकीन हो, लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि इन ड्रिंक्स में पड़ी आइस क्यूब्स उन ड्रिंक्स से ज्यादा महंगी हो। मैं बात कर रहा हूँ गैल्स लग्जरी आइस की। इन आइस क्यूब्स को काफी ऊंचे दाम में बेचा जाता है। इसके मैन्युफैक्चरर्स की माने तो ये क्यूब्स नॉर्मल पानी से
नहीं बनाए जाते। इन्हें बनाने के लिए प्योरिफाइड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्यूब्स अलग अलग शेप्स और साइज में आते हैं, जिन्हें बनाने में काफी प्रिसिजन की जरूरत पड़ती है, और ये क्यूब्स नॉर्मल आइस क्यूब से 15 से 20 मिनट ज्यादा लास्ट करते हैं। अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो इन आइस क्यूब्स में से सिर्फ एक आइस क्यूब 8 से 10 डॉलर का आता है, यानी 700 से 800 रुपए, जिसकी वजह से ये कहलाता है दुनिया का सबसे महंगा आइस क्यूब। नंबर 6, स्केटबोर्ड। ये स्केटबोर्ड है 674,000। ये है लुई विटॉन का लग्जरी स्केटबोर्ड। लेकिन अगर आप लुई विटॉन के शौकीन है तो आपको स्केटबोर्ड से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि अमीर होते ही लोग ऐसे अजीबोगरीब डिजाइनर कलेक्टेबल्स के पीछे भागने लगते हैं। अमीर लोग इसे खरीद तो लेंगे, लेकिन इस स्केटबोर्ड को चलाने वाले ही इसकी असली कीमत समझेंगे। नंबर 5, टिश्यू पेपर। अगर आपके पास ये टिश्यू पेपर है तो आपको कभी छींक ही नहीं आएगी। मतलब अगर एक टिश्यू के डब्बे को खरीदने में जब आपके 8,000 रुपए लग जाए तो आप कभी नहीं छींकेंगे। जापान में इस ब्रांडेड टिश्यू की कीमत 8,000 पर बॉक्स है। मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक इस टिश्यू को किसी मशीन या आर्टिफिशियल टेक्निक से नहीं बल्कि हाथों से बनाया जाता है। ये छूने में काफी सॉफ्ट होते हैं और इस्तेमाल करने पर आपको एक काफी टॉप क्वालिटी फील देता है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इस टिश्यू के आपको 12 अलग अलग कलर्स मिल जाएंगे। इसी कंपनी के बने हुए टॉवेल्स भी इन टिश्यूज से काफी ज्यादा सस्ते हैं। नंबर 4, डस्टबिन। आप कचरा फेंकने के लिए कितने रुपए खर्च कर सकते हो? मालूम है आपका जवाब होगा 1 रुपए भी नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कचरा फेंकने के लिए 800,000 रुपए खर्च कर सकते हैं। जी हाँ, ये वो लोग हैं जो इस डस्टबिन को खरीदते हैं। इससे पहले कि आप उन लोगों को जज करें, मैं आपको बता दूं कि ये डस्टबिन कोई आम डस्टबिन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा डस्टबिन है जिसे बनाने के लिए 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसका दाम इतना ज्यादा है। वैसे तो कहा जाता है कि कचरे के ढेर में सोना निकलता है, लेकिन यहाँ तो सोने में कचरे का ढेर रखा जाता है। नंबर 3, पॉश इंस्टेंट नूडल्स। जी हाँ, इस लिस्ट में इंस्टेंट नूडल्स भी है। इस नूडल्स की कीमत करीब 3500 रुपए है, जितने में आप 100 नॉर्मल नूडल्स आराम से खा सकते हैं। लेकिन ये नूडल्स एक गोल्ड कोटेड पॉट में आता है, जिसे हाथों से डिजाइन किया गया होता है, और क्योंकि ये सिविलाइज लोगों के लिए बनाया जाता है, इसके साथ फोक और टेबल क्लॉथ भी है। इतने महंगे प्राइस टैग के पीछे एक अच्छी बात ये भी है कि ये कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा चैरिटी को भी देती है। नंबर 2, ब्रेड। मैं जिस ब्रेड की बात कर रहा हूँ उसके सिर्फ 400 ग्राम के लोफ की कीमत करीब 1,30,000 है। ये ब्रेड स्पेन की एक बेकरी कंपनी बनाती है, जिसमें एडिबल गोल्ड और सिल्वर मिलाया जाता है। वैसे तो आप लोगों ने दूसरों को गोल्ड सिल्वर पहनते देखा होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गोल्ड सिल्वर से बने ब्रेड को लोग खरीदने के साथ खाते भी हैं। इस ब्रेड के मेकर्स बताते हैं कि वो इन ब्रेड्स को स्पेशल कस्टमर्स के लिए बनाते हैं, जो कि ज्यादातर मिडिल ईस्ट और चाइना के होते हैं। उनके हिसाब से इस ब्रेड में मौजूद एडिबल गोल्ड और सिल्वर डाइजेशन के लिए काफी सही है। नंबर 1, टिक टैक। आपने बचपन में टिक टैक कैंडी तो खाई होगी, जो छोटे डब्बों में आता है। इसके कई सारे फ्लेवर्स आया करते थे, लेकिन क्या आपको पता है ये कंपनी बीच बीच में स्पेशल एडिशन वाले पैक्स भी लॉन्च किया करती थी, जिसकी प्राइस रेगुलर फ्लेवर से काफी ज्यादा होती थी। इन्हीं लिमिटेड एडिशन में से एक था कोको कोला फ्लेवर। ये जब लॉन्च हुई थी तब इसके डजन बंडल का प्राइस 7,757 हुआ करता था, यानी कि एक डब्बे की कीमत लगभग 650 रुपए। अगर आपको टिक टैक का यह फ्लेवर ट्राई करना है तो आज भी इसी प्राइस में आपको ये टिक टैक मिल जाएंगे। बस इसके लिए आपको 1,100 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे, क्योंकि आप ये इंडिया में नहीं मिलते बल्कि इसे फॉरेन कंट्री से इम्पोर्ट कराना पड़ता है। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर ये 1 रुपए की कौन सी कैंडी है जिसे खाकर आप अभी के अभी दुबई की किंग की फीलिंग ले सकते हो? हर रोज स्कूल खत्म होते ही आप एक ऐसी चीज कर रहे हो जिससे मौत आपके नजदीक आती जा रही है, और आपको पता भी नहीं वो कौन सी चीज है। इस वीडियो में सब पता चल जाएगा, तो इस वीडियो को जाके अभी देखो यार, बहुत गजब वीडियो है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।